एकांगी करांगे बेटा, सिरजना सिरजना एकांगी ने तुहानू एग्जाम दे विच 1 मार्क्स क्वेश्चन आने हैं, ते एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है 4 ते 5 मार्क्स का, 4 जां 5 मार्क्स का, ठीक है, जिदे विच पात्र सारी ठीक है या क्वेश्चन आने जो एक्सरसाइज दिते हुए, ठीक है, नानक दुखिया सब संसार लेख सारांश लेके लास्ट 5 मिनट्स कर लेंगे, ठीक है। सब तो पहला आप सिजना एकांगी दे 1 मार्क्स क्वेश्चन जो पात्र सारी करेंगे, ठीक है। पहला पात्र अनुसारी करते हैं कि लास्ट टाइम काफी बच्चों ने पात्र अनुसारी गलत लिखी सी, ठीक है। पहला आप करेक्टर करते हैं जो मेन है इस एकांगी दे सिरजना। अच्छा मैं दसोगे इस एकांगी दे केड़े केड़े पात्र है? हाँ, नर्स, हाँ मासी होर, ठीक है। केड़े केड़े पात्र है सिजना जो मेन इस एकांगी की पात्र है जिदे दुआले जिहड़ी सारी एकांगी जिहड़ी की घूम रही है, ठीक है। ते उस तो अलावा पति कुलदीप है, ठीक है, जो ओदी बिल्कुल भी गल नहीं सुनता, उन्हें सिर्फ अपने काम की है ते सिर्फ वो अपनी माँ की गल ही सुनता है, ते बस एकांगी के अंत विच ठीक है उन्हें समझ आ जाती है कि जो कर रहा सी वो गलत है, ते अपनी पत्नी सिजना दे कोलों माफी मंगता है, ठीक है। सिजना बेटे कि पढ़ी लिखी ते होनहार लड़की ते अजकल दे जमाने दी है, एकांगी जिहड़ी कि भ्रूण हत्या की समस्या नूं पेश कर रही है, ठीक है। जिहड़ी सिजना है भ्रूण हत्या के खिलाफ है, ठीक है, उहदा पहला एक लड़की है ते दूसरा बच्चा होने वाला है, ठीक है। तो अपने पैरां ते खड़ी है, नौकरी करती है, ठीक है, ते कुड़ी मुंडे दे विच उहदे लई कोई फर्क नहीं है, ठीक है, पर मजबूर होके ठीक है अपनी सास दे करके वो जिहड़ा कि है क्लीनिक दे विच आंदी है टेस्ट करवाउण, उहदा खुद दिल नहीं कर रहा होंदा। थर्ड है इस एकांगी दे विच बीजी, ठीक है, जो इस एकांगी दे सास दा रोल अदा कर रही है, ठीक है। सिजना ते जिहड़ी बीजी दे दुआले पूरी एकांगी घूमदी है, उहदी सास है जो बीजी है वो भ्रूण हत्या करवाना चाहती है, भाव कि वह नहीं चाहती कि उहदे घर दे विच लड़की दा जन्म होवे, एक धी पहला ही है, तो नहीं चाहती कि एक होर धी आवे। इस दे लई ठीक है अपनी जिहड़ी सिजना नूं जबरदस्ती क्लीनिंग लैके आंदी टेस्ट कराने लई, जे लड़की होएगी तो उहनूं पहला ही जन्म लैण तो मार देवेगी। उहदे विच बिल्कुल भी कोई भावना फीलिंग्स नहीं होंदी, वो स्त्री होके एक औरत होके औरत दा दुख नहीं समझदी, सिर्फ उहनूं की चाहिदा है अपनी जमीन जायदाद दा की चाहिदा है वारस चाहिदा है, ठीक है। इतों तक कह दी जे तू ठीक है एक होर लड़की नूं जन्म देवेगी तेनों मेरे घर तो बाहर निकलना पवेगा, ठीक है, तू मेरे घर दे विच नहीं रह सकती, जो उन्हें बहुत गलत तरीके नाल उन्हें ट्रीट करती है बोलती है। कांगी दे अखीर दे विच जिहड़ी सिजना है अपने हक दे लई आवाज उठाती है, तो कहती है कि मैं ठीक है अपनी लड़की नूं खुद पढ़ा लिखा सकती हाँ, मैनूं किसी की लोड़ नहीं है। इस एकांगी जिहड़ा सिरजना नेम है, एक तो ठीक है उहदा नाम है औरत दा, ते दूसरा की सिरजना आपां किहनूं कहिंदे आ, जदों आपां किसी चीज़ की सिरजना करदे आ किसी चीज़ नूं बनाने हाँ, जे परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनाई पूरी दुनिया बनाई पूरी दुनिया की सिरजना की किसी चीज़ नूं बनाना, ठीक है। उसे तरह की कह रही है सिरजना कि उहदे पेट दे विच सिरजना किसी चीज़ की सिरजना करिए, तो उस सिरजना नूं खत्म नहीं होण देवेगी, उसनों भी इस दुनिया दे विच आउण दा पूरा हक है, उसनों भी दुनिया के जी आन का कि जीन का पूरा हक है। नैक्सट है इस एकांगी दे डॉक्टर, ठीक है, एक मासी, मासी की सफाई कर्मचारी है, ठीक है, डॉक्टर जो क्लीनिंग दे भी डॉक्टर का काम करती है, तो उन्होंने सीजना कहती कि जे तुम पढ़े लिखे लोग हो गए तुम अजिहा काम करोगे तो बाकी अनपढ़ लोगों को कौन समझाएगा, ठीक है, जे तुहाडे वर्गी अजिहा काम करन लग गए, क्योंकि वो कहती है कि मेरा जिहड़ा कि है मैं खुद नहीं आई, ठीक है, जबरदस्ती मैंने उत्थे लियांदा गया। अखीर ते जदों सिजना बैग चुक के अपना पर्स चुक के जाती है तो उन्होंने ठंडी हवा आती प्रतीत होंगी, क्यों, क्योंकि कहती कि शुक्र है किसी ने अपने हकों के लिए आवाज उठाई, ठीक है, भी अब हूँ यह काम नहीं होंगे। नैक्सट है इस एकांगी मासी सफाई कर्मचारी का, जिदा सुभा थोड़ा खरवा है रुखा है, पर वो असल दे भी चंगी इंसान है, चंगे एक इंसान है, चाहे वह पुराने जमाने की है, इन्नी पढ़ी लिखी नहीं है, पर फिर भी वह भ्रूण हत्या के खिलाफ है, ठीक है, तो इस दे लई उहदा साथ दिंदी कि दा सिजना
सिजना का साथ दिंदी है। ठीक है, पात्र क्लीयर हो गए किहड़े किहड़े है ते उन्हां दा की रोल है। ठीक है, हुण आपां हैडिंग बना के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जिहड़े मेन मेन पात्र जिहड़े सिजना है, कुलदीप है, एक पैरा बना के तीन चार लाइनां च नहीं लिखना, हैडिंग बनाओ, उस हैडिंग नूं तीन चार लाइनां दे विच एक्सप्लेन करना है। हुण हैडिंग तुसीं बोलने मन पूरा का पूरा तुसीं अपनी नोटबुक ते लिखना है। हाँ, सुनना तो है ही है, नाल नाल नोट भी करना है। ठीक है, ओके, यस। फर्स्ट है हुण आपां करांगे सिजना, फर्स्ट हैडिंग, पहला तो मेनी की जान पछाण ही होएगी। ठीक है, फिर आपां इंट्रोडक्शन ही करांगे। ठीक है, हाँ जी, यस। ऑफलाइन स्टूडेंट पहला बोलो जान पछाण। हाँ, एक सेकंड, पहला जान पछाण इंट्रोडक्शन कर ली है। हाँ, जान पछाण इंट्रोडक्शन ओदी। ठीक है, इस तरह तुसी सुनने, इस तरह भी अपना फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है, ताकि साडा सिर्फ इक्को ही कांगी है सीजना, उस पात्र सारी आनी आनी है। फोर मार्क्स, किन्ने क्वेश्चन है, फोर या फाइव क्वेश्चन है, तो बाकी बुक दे एक्सरसाइज दे क्वेश्चंस। हाँ, इंट्रोडक्शन बोलो बोलो, कौन बोलेगा ऑफलाइन दे विचों। हाँ, कहानी दी मुख पात्र है, होर एक लाइन, पढ़ी लिखी औरत है, होर अजकल दे जमाने दी है। हाँ, उसके आले दुआले पूरी कांगी घूमती है। ठीक है, जान पछाण की लोग सिजना, जेडी सिजना ही कांगी दी, सिजना सिजना ही कांगी दी मुख पात्र है, जिहड़ी पूरी कांगी है, पूरी कहानी है, किहदे दुआले घूम रही है, सिजना दे दुआले घूम रही है। ठीक है, जो कि भ्रूण हत्या दे खिलाफ है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट सेकंड हैडिंग। हाँ जी, जिया सेकंड हैडिंग बोलो बेटा। मैम, कुड़ी ते मुंडे विच फर्क ना समझन वाली। कुड़ी ते मुंडे विच फर्क ना समझन वाली, एक्सप्लेन कर बेटा। मैम, ओ कुड़ी ते मुंडे विच फर्क नहीं समझती, ते अपनी सास दे ते कहन दो बावजूद वही रून हत्या ले तैयार नहीं होंदी। जेकर उसके पेट विच एक कुड़ी होवे ता उसके जमण तो पहला उसकी हत्या कर दी जावे, इस गल दा ओ विरोध विरोध करती है, ओ इस काम नू पाप समझती है। हाँ, वेरी गुड, सेम पॉइंट तनवीन, अच्छी तरह करना है। थ्री फोर लाइन लिखनी है, लिखनी है हरेक ने, लिखो। हाँ बेटा तनवीन, यस तनवीन, यस मैम। हाँ बेटा, पॉइंट। हाँ नहीं बेटा, इन्नू एक्सप्लेन कर, कुड़ी मुंडे च फर्क ना करने वाली, बेटा इन्नू ही पहला। यस मैम, सिरजना एक नवे विचार वाली औरत है, ओह मुंडे ते कुड़ी विच फर्क नहीं करती, ओ अजकल दे समाज नाल चलती है, ओ दोनां नू रब दा रूप समझती है। हाँ ठीक है, ठीक है, सिजना जो इस कांगी दी मुख पात्र है, कुड़ी मुंडे दे विच फर्क नहीं करती, कि उस दी पहला भी एक लड़की है, ठीक है, ते उसका दूसरा बच्चा भी होने वाला है। ठीक है, उहदे ठीक है कदी भी, ठीक है, इस दे लई ओह बीजी दा जिहड़ा खिलाफ आवाज उठाती है कि अपनी कुड़ी नू पढ़ा लिखा के, ठीक है, खुद पढ़ा लिखा सकती है, ते इस दे लई आवाज भी उठाती है। नेक्स्ट हैडिंग, थर्ड हैडिंग बोलो बेटा। हाँ, अपने हकों के लिए जागरूक या अपने हकों प्रति सुचेत, अपने हकों के लिए आवाज उठाने लग रहे, अपने हकों लिए आवाज उठाने वाली, बेटा मैं ऑफलाइन तो चेक करना ही करना है। गुरपाल लिख, हाँ जी, एक्सप्लेन करो बेटा इन पॉइंट नू, कौन करेगा ऑफलाइन दे विच, करो बेटा पहला, कर गुरपाल एक्सप्लेन कर बेटा। कादे लई आवाज उठान वाली, हाँ जी बेटा, पॉइंट नू एक्सप्लेन करो बेटा नू। हाँ जी तनवीन, यस मैम। हाँ बेटा, इसी कांगी पता चलता है कि सिरजना भ्रूण के खिलाफ आवाज उठाती है, ओ तो बचन लई अपने तो बचन लई साथ पाल दी है, अपने पति नु भी फोन कर दी है, पर उसका पति उसका साथ नहीं दिंदा, पर अंत विच जदों ओह दोनों कठे हो जाते हैं तो ओह अपने बीजी नु समझाते हैं कि ओह जो कुछ भी कर रहे हैं ओह गलत है, ती होवे जां पुत्तर दोनां नूं ही रब दा रूप समझना चाहिदा है।
हाँ वेरी गुड, ठीक है। अपने हक्कां लई लिखो, अपने हक्कां लई आवाज उठाउण लई, सिजना अपने हक्कां दे लई आवाज उठाउंदी, क्योंकि पढ़ी लिखी अजकल दे जमाने दी कुड़ी है, ठीक है। जदों बीजी उसनूं क्लीनिक लैके जाती है, ठीक है, तो जबरदस्ती उहदा टैसट करवाउणा चाहुंदी है, तो बीजी के खिलाफ ही आवाज उठाउंदी है, ठीक है। अपने पति नूं फोन करदी है, ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार फोन करदी है, ते अखीर ते जदों उहदा पति वी उहदी गल नहीं सुणदा, ठीक है, ते बैग चुक के चली जाती है क्लीनिक तो बाहर, ते की कहती है बीजी नूं कि मैं पढ़ी लिखी अजकल दे जमाने लड़की हाँ, मैं अपनी लड़की नूं, ठीक है, खुद पढ़ा लिखा सकती हाँ, उसनों भी दुनिया दे विच जीन दा पूरा हक है, ठीक है, मैं उसनों जिहड़ा कि इह मार मर जन्म लैण तों पहला खत्म नहीं करांगी। लिख लिया, क्लियर है वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट बोलो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग, हाँ, पढ़ी लिखी और टाइम। मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ बेटा, इको ही कहूंगी ताकि सिक्स मार्क्स यानी कि टू टू क्वेश्चन वन मार्क्स आएंगे, ठीक है, फोर क्वेश्चन है, सिक्स मार्क्स आने हैं, सिक्स और सेवन मार्क्स, ठीक है। पढ़ी लिखी औरत, हाँ जी बेटा एक्सप्लेन कर बेटा, पढ़ी लिखी औरत, हाँ हाँ शाबाश सुचेत है, हाँ हाँ। सिजना की पढ़ी लिखी औरत है, ठीक है, 28-29 साल की पढ़ी लिखी औरत है, तो नौकरी कर दी है, जब पढ़ी लिखी कहता फिर नौकरी भी कमांगे, ठीक है। सिजना पढ़ी लिखी औरत है, आजकल दे जमाने दी औरत है, 28-29 साल दी है, जो नौकरी कर दी है, तो इस दे लई और बीजी नूं ये भी कहती है कि अपने, ठीक है, पैरां ते खड़ी है, ठीक है, अपने ते अपने बच्चों का पेट पाल सकती है, ठीक है, पालन पोषण कर सकती है, उसनूं किसी की लोड़ नहीं है, पढ़ी लिखे होने करके ही अपने हक्कां दे प्रति जागरूक भी है, उन्हें पता है कि गलत है ते की ठीक है, कि जो पढ़िया लिखे इंसान उन्हें समझ होंदी है, ठीक है, सही गलत की पहचान होंदी है, ठीक है, जो कर रहा है गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हैडिंग, नेक्स्ट हैडिंग बोलो बेटा, फिफ्थ हैडिंग बोलो, हाँ, चिंता या परेशानी दे विच घिरी हुई, हाँ जी विशाल एक्सप्लेन कर, विशाल चिंता दे परेशानी घिरी हुई, चलो बोल बेटा, बोल बोल जपजी, शांत स्वभाव वाली औरत, हाँ एक्सप्लेन कर, शांत स्वभाव एक्सप्लेन कर बेटा, जदों भी जदों बीजी सिजना नूं स्कैनिंग करवाउण लई जिद ते अड़ जांदी है, तां ओह बीजी नूं बड़ी ही आराम नाल समझाउंदी है कि ओह मुंडे कुड़ी विच कोई भी फर्क नहीं हुंदा, फिर भी बीजी सारिआं दे सामने उस नाल उच्ची आवाज़ नाल गल करदे हन, फिर भी ओह बड़े ही आराम नाल ते चंगे ढंग नाल उहनां नूं समझाउण दी कोशिश करदी है। शांत सुभाव वाली जिहड़ी सिजना है, एक शांत सुभाव वाली औरत है, ठीक है, वो बड़ी शांति नाल काम करती है, चाहे बीजी उसना कितना उच्ची बोलती है, ठीक है, गलत बोलती है, पर फिर भी अपनी सस नाल उच्ची आवाज विच गलत ढंग नाल उन्होंने जवाब नहीं दिता, सगो प्यार नाल समझांदे कि बीजी जो तुसी कर रहे हो वह गलत है, हाँ वह वड्डा सत्कार करने वाली है। हाँ जी जानवी बेटा, यस जानवी, हाँ हाँ रिपीट कर बेटा पॉइंट, जानवी केड़ा पॉइंट बोले बेटा, मैम हौसला ना हारन वाली, हौसला ना हारन वाली एक्सप्लेन कर बेटा, मैम जदों बीजी सिजना नु भरूण हत्या करन ले कहंदी है, ता ओ उस कदम विरोध करदी है, इस मंतव ले ओ बीजी दा घर छड्डन ले भी तैयार हो जांदी है, उस दा पति भी उस ते मान प्रगट करदा है, ते उसका काम ते कहंदा है कि
ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬੀਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦੋਨੇ ਨੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਨੀ ਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਲੈ ਗਈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲਦੀ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਂਗੀ ਤੋਂ? ਕਾਂਗੀ ਪੂਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ? ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਬੀਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਿਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਮੇਨ ਜੋ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰੇਕ ਹੀ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ, ਦੇਖੋ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਤੇ 8 ਦੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ 2-3 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹੈਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਔਰਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪੁਆਇੰਟ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗ। ਹੈਡਿੰਗ ਕੌਣ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ? ਚੇਤਨਿਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਚੇਤਨਿਆ, ਚੇਤਨਿਆ ਸਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਚੇਤਨਿਆ ਬੇਟਾ ਹੈਡਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਬੋਲੋ? ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਥਰਡ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਫੋਰਥ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ। ਫਿਫਥ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ। ਸਿਕਸ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ। ਸੈਵਨ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਏਟ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਹੋ ਗਏ 8 ਦੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ 3-3 ਲਾਈਨ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਤਰ ਬੀਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ 4 ਮਾਰਕਸ ਹੈ, 9 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੀਜੀ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਉਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੀ ਸਿੱਖ, ਹਾਂ, ਬੀਜੀ ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਜਨਾ ਬੀਜੀ ਸਿਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਚ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।
बीजी जो है मुंडे ते कुड़ी दे विच फर्क करती है, ठीक है, क्योंकि उसनु अपनी जायदाद का वारस चाहिदा है। जायदाद दे स्पेलिंग लिख लो, वारस, ठीक है, उसनु अपनी जायदाद का की चाहिदा है, वारस चाहिदा है, ठीक है, जिहड़ी अपनी जिहड़ी जमीन है, ठीक है, जमीन दाज दे रूप विच नहीं देना चाहती, ठीक है, वह की कहती है कि सारी जमीन जायदाद में किदे लेखे ला दांगी, गुरुद्वारे मंदिर दे लेखे ला दांगी, पर मैं धी नूं कुड़ी नूं नहीं देनी, ठीक है, अपना सिर्फ की चाहती वारस चाहती जायदाद का, कहती जिवें सारी जायदाद जे कुड़ी हो गई मैं गुरुद्वारे लेखे ला देनी है मंदिर दे, पर मैं किसी धी नूं अपनी जायदाद नहीं देनी, ठीक है, ते ओह जबरदस्ती सिजना नूं क्लीनिंग लैके जाती है स्कैनिंग कराने के लिए ता जो पता लग सके कि उहदे पेट दे विच लड़का है या लड़की, जे लड़की होएगी तो उसनूं पहला ही मार देना चाहती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, पुराने विचारां वाली औरत, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा एक्सप्लेन करो पॉइंट है वाले, यस रेज योर हैंड, ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट रेज योर हैंड बेटा, बीजी वाला पात्र, ओनली वन स्टूडेंट तनवीन, बाकी बच्चे बेटा बाकी भी हैंड रेज करो, जी एन जानवी एंड तनवीन, बस ओनली टू स्टूडेंट है ना। हाँ जी तनवीन बेटा, यस मैम, इसी तो पता चलता है कि बीजी पुराने विचारां वाली औरत है, वो मुंडे ते कुड़ी दे विच फर्क करती है, ते वो सिरजना नूं कहंदी है कि कि ओहो उसकी जायदाद लई इक वारिस नूं पैदा करे, नहीं तां ओहो उसने कुड़ी नूं पैदा कीता तां अपनी सारी जायदाद जिहड़ी गुरुद्वारे ते मंदिर दे लेखे ला देगी, पर उसकी कुड़ी नूं कुछ भी नहीं देगी। हाँ वेरी गुड, ठीक है, पुराने विचारा वाली, ठीक है, जी सिजना बीजी और पुराने विचारा वाली औरत है, ठीक है, उस जमाने की औरत है जो कुड़ी ते मुंडे विच फर्क किया जाता सी, ठीक है, कुड़ियां नूं पढ़ाया लिखाया नहीं जाता सी, घरों बाहर नहीं कढ़िया जाता सी, ठीक है, पर अजकल जिहड़ी की है कुड़ियां पढ़ लिख के अपने पैरों ते खड़िया हैं, वो अपना अते अपने बच्चों नूं पाल पो सकदियां, उन्हां नूं पढ़ा लिखा सकदियां हैं, ठीक है, जिस करके वह बीजी जिहड़ी की है सिजना नूं कहिंदी है कि जे तेरे कुड़ी हुई तो उसनू पहला ही जन्म लैन तो मार देवेगी। नेक्स्ट पॉइंट, भ्रूण हत्या दे हक विच, ठीक है, भ्रूण हत्या दे हक विच, बीजी है वो भ्रूण हत्या दे हक विच है, ठीक है, इसलिए उसनू कितने लैके जाती है क्लीनिंग लैके जाती है स्कैनिंग करवाने के लिए ता जो, ठीक है, पता लग सके कि उसके पेट के विच लड़का है या लड़की, क्योंकि सिजना दे पहला एक लड़की ऑलरेडी होंगी है, इसलिए वह नहीं चाहती कि उसके घर में दूसरी कुड़ी जन्म लवे, क्योंकि पहले ही कुड़ी होंगी ना, ठीक है, उसने नहीं चाहती कि उसके घर के विच दूसरी कुड़ी का जन्म होवे ते उन्हें जिहड़ी सारी जमीन जायदाद वह दाज दे लेखे लावे। क्लीनिंग, नेक्स्ट पॉइंट बोलो, गुस्से को कितना गुस्से बोल दी स्टार्टिंग इच, कितना गुस्से ना बोल दी, मासी नाल, ठीक है, मासी दे नाल, ठीक है, सफाई कर्मचारी का जब क्लीनिक दे विच एंटर ही कर दिया, ठीक है, ते वो अपने गंदे पैर लैके जो अंदर आंदी है ते कर्मचारी सफाई कर्मचारी का मासी नूं झिड़कदी है कि मैं हुणे हुणे सफाई कीती है ते तुसीं अपने गंदे पैर लैके अंदर आ गए हो, ते अगो वह भी गुस्से नाल नाल बोलदी है, कितना सफाई कर्मचारी का नाल गुस्से नाल गल करती है, इस तों अलावा अपनी नूंह दे नाल भी, ठीक है, गुस्से नाल गल करती है, ठीक है, सिजना नाल भी गुस्से नाल गल करती है, जबरदस्ती उसनू क्लीनिंग लैके आती है, ये भी कहती है कि जे तू मेरे पिछे बिना किनू फोन किया, कुलदीप नू, हाँ दीप नू, ठीक है, मेरे पिछे बिना तू उन्हू फोन किस तरह किया, ठीक है, भी कहती ना रुपनी नू। नैक्सट पॉइंट बोलो बेटा, हाँ जी जिया औरत होके औरत का दुख ना समझन वाली,
औरत हो के औरत दा दुख ना समझन वाली, ठीक है। वो खुद एक औरत है, ठीक है, खुद एक मां है, ठीक है, पर फिर भी वो एक औरत दा दुख नहीं समझती, ठीक है। वो सिजना दा दुख नहीं समझती, इस करके सिजना नु जबरदस्ती जेड़ा कि भ्रूण हत्या कराने के लिए कहती है। क्लियर है बेटा सारे पॉइंट, ठीक है। आपने गल ते अड़ी रहने वाली, ठीक है, अपनी गल दी पर जेड़ी की चाहे गुस्से अखीर ते किन्नू भी गुस्से ना बोलदी अपने पुत्तर नु, ठीक है। भी पॉइंट लिख लो, अपनी गल ते अड़ी रहने वाली इकांगी दे अखीर ते जदों कुलदीप सिजना दा साथ दिंदा है, भ्रूण हत्या दे खिलाफ आवाज उठांदा है, ते ओह अपने पुत्तर नु भी कहिंदे तू भी करो बाहर निकल जा, ठीक है, ठीक है। इस करके अपनी गल ते की अड़ी रहती है। हाँ, जमीन जायदाद दा रोब दिखाने वाली, ठीक है, ओनू जिहड़ी किसी दा जमीन जायदाद दे नाल ही बड़ा प्यार है, किसे ना तो अपने लड़के नाल प्यार है ते ना तो अपनी नूह नाल ते ना तो उन्होंने बच्चों के नाल, ठीक है। सिर्फ ते सिर्फ किन नाल प्यार करती, अपनी जमीन जायदाद नाल प्यार करती। क्लीयर है अपनी पत्र सारे, ठीक है। बाकी गल करांगे, अपना लास्ट हैडिंग रह गया सी सारश, नानक दुखिया सब संसार, ठीक है। नानक दुखिया सब संसार दे विच आपां इस प्रकार सारण सुन लो बेटा, ठीक है। इस प्रकार असीं कह सकते हाँ कि इस दुनिया दे विच जिहड़े कि दुख सुख हन ओह इक सिक्के दे दो पहलू हन। जे जीवन दे विच दुख है ते सुख ने आना ही आना है, जे सुख है ते दुख ने आना ही आना है, ठीक है। हर दिन इक्को जे किसे दे नहीं रहिंदे, ठीक है, ठीक है। साधु संतां नूं भी, महान लोकां नूं भी, जिन्हां ने कोई इस दुनिया विच कोई मतलब कि किसी तरह का कोई किसी से कोई जुलम नहीं किया, उन्होंने भी दुख सहने पे। लिखवाई से ना गुरु गोबिंद सिंह जी की, गुरु अर्जन देव जी की, ठीक है, कौरवा पांडवा ने, उन्होंने कोई इस दुनिया में आके कोई किसी ने माड़ा किया पर उन्होंने भी दुख सहने पे, ठीक है। इसलिए सानू दुख की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, एक परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जे असं उस परमात्मा का नाम लवेंगे तो सानू परमात्मा उस दुखा सहन करन की ताकत देगा, शक्ति देगा, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। कोटेशन लिख लो एंड ते, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार, नानक दुखिया सब संसार जो ने अपना ऐसे का नेम ही है, ठीक है, नेम यही है ना नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस ना आधार, भाव की इस संसार दे विच सारे ही दुखी हैं पर वही इंसान सुखी है जिन्ने परमात्मा का आसरा लिया हो है, उदे नाम का सहारा लिया हो है, इस संसार दे विच वही सुखी है। क्लियर है बेटा, अपनी नोटबुक कंप्लीट करके मैं सेंड करो, ओके बेटा, ओके बेटा।